नमस्कार, KNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। एक तरफ तीसरी पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है। पहले चरण का मतदान 25 जून को होना, वहीं दूसरी तरफ इन दिनों लगातार कई ग्रामों में चुनाव बहिष्कार का ऐलान जोर पकड़ता दिखाई पा रहा है, जिसकी मुख्य वजह केंद्र बिंदु सुविधाओं के अभाव में निवासरत लोग हैं। पूर्व में हुए चुनावों में जनता से वादा कर वोट मांगना, फिर वादा खिलाफी करने का दौर लंबे अरसे से चला आता है। यह जानकार आश्चर्य होता है कि जिस लाइट की कटौती मात्र से सरकार गिरती और बनती है, तो उसी लाइट के लिए ग्रामीणों को आज़ादी के 8वें दशक की समाप्ति के कगार पर भी इंतजार करना पड़ता है। तभी तो ग्राम पंचायत फरहदा बीजा टोला के ग्रामीण ने लाइट नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। पुष्पराजगढ़ अंचल में तीसरे पंचायत की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ। प्रत्याशी प्रचार प्रसार के साथ लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास से कोसों दूर रहने वाले ग्रामीणों ने एक के बाद एक चुनाव बहिष्कार का ऐलान करना शुरू कर दिया है। कलाहड़ी ग्राम के बाद ग्राम पंचायत फरहदा का बीजा टोला के ग्रामीणों ने सोमवार की सुबह ग्राम पंचायत भवन व ग्राम की अन्य सड़कों पर तख्ती बैनर के साथ नारेबाजी की और चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। बीजा टोला के ग्रामीणों की मांग है कि बिजली नहीं तो वोट नहीं। मेरा नाम चरण सिंह है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैंने लाइट के ट्रांसफर को मांग किया था, इसके 3 साल हो गया, अभी तक नहीं लगा। तो अंधेरे में है गांव, सब पूरा अंधेरे में है। पढ़ाई लिखाई में समस्या आता था, हमारे भविष्य के बच्चों के लिए भी समस्या आ रहा है। आप लोगों ने नारा लगाया है लाइट नहीं तो वोट नहीं, तो क्या आप लोग मतदान नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, जब तक लाइट यहाँ या ट्रांसफार्मर मीटर नहीं लगेगा तब तक नहीं करवाएंगे। क्या कहना चाहते हैं अधिकारियों से? हमारा कहना है कि यहाँ तत्काल में ट्रांसफार्मर लग जाए, कनेक्शन हो जाए, हम मंजूर हैं सभी लोग। बस यहाँ खंभे लगे हुए हैं, लाइट की तार लगी हुई है, फिर लाइट कैसे नहीं है? लाइट ये सब ये ठेकेदार के हिसाब से ये लाइट नहीं लगाया गया है, न जाने वो कहीं दूसरी जगह ले गए हैं या कहीं भेज दिया गया है, इसलिए नहीं लगा है यहाँ। इस खंभे में ट्रांसफार्मर दिखाई नहीं दे रहा, तो ट्रांसफार्मर यहाँ लगा ही नहीं कि लगा के कोई निकाल? नहीं नहीं, लगा ही नहीं है। कितने दिनों से यहाँ? 3 साल हो गए। इस चीज की शिकायत आप लोगों ने किससे की? विधायक जी से मैंने किया शिकायत, सांसद जी से किया शिकायत, और फिर जेई साहब के पास में भी शिकायत किया। क्या आश्वासन मिले हैं यहाँ? वो बोलते रहे कि 15-20 दिन में सब हम लगा के कंप्लीट करा के दे देंगे। ऐसा किनके द्वारा बोला गया? ये मेरे सामने बोला है, सांसद जी बोला ना, विधायक जी भी बोला है। मतलब महज आश्वासन पे ही आप लोग अभी तक? जी, अभी तक मैं ध्यान नहीं दिया वो कि हम लगा देंगे।